अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बात करूंगी आपसे हाउ टू ऑर्गेनाइज डीप फ्रीज़र। इसके लिए मैंने ये ड्रॉर लिया है मल्टीपर्पज़ के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रॉर है। आप इसमें सारी चीज़ें इसमें आराम से आप रख सकते हो। फ्रिज में तीन ड्रॉर हैं और काफ़ी इसमें स्पेस भी है। तो ये 3000 का मैंने लिया था, पेज मुझे याद नहीं है, लेकिन आप ईज़िली आप ये अवेलेबल है, आप इसे दराज से बाय कर सकते हैं। इसमें रखने के लिए मैंने इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं ताकि मैं इसमें प्लास्टिक वगैरह ना रखूं, क्योंकि प्लास्टिक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने इसके लिए स्टोरेज बॉक्स ले लूं और उसी में ही वेजिटेबल्स वगैरह मैंने इस तरह एडजस्ट किया है। ये स्टोरेज बॉक्सेस मैंने किसी भी करीबी दुकान से ले लिया था। और इसके अलावा मैंने इसमें इस तरह से आप जाली ले लें और जाली में आप इस तरह से टमाटर वगैरह ऐड कर दें। मैंने धनिया पत्ती और क्या नाम है मिर्चों को हमेशा से अलग रखा है स्टोरेज बॉक्स में, क्योंकि धनिया पत्ती जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो वो बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर देती हैं, तो इसलिए उन दोनों को आप सेपरेट रखें। सेकंड ड्रॉर में मैंने रखा है सारे के सारे स्नैक्स आइटम्स, यानी कि केचप हो गया, मायोनीज हो गया, इसके अलावा मैदा हो गया। मैदा को भी आप फ्रिज में रखा करें, इससे कीड़े नहीं लगते। इसमें ये मूंग दाल के बड़े थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया। मैं इसे ज़रूर चेक करूँगी बनाकर, फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। रिव्यू के लिए इसके आपको मेरे हुनर पेज को, हुनर चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहीं पे सारी डिटेल होंगी। इसके अलावा मैंने इसे ब्राउन शुगर्स, ऑलिव्स रखे हैं, ये सारी चीज़ें रखी हैं। थर्ड ड्रॉर में ये मैंने इसे फ्रूट्स ड्रॉर बनाया है और सारी चीज़ें मैंने इस तरह इस ड्रॉर में असेंबल की हैं। अच्छा, मैंने इसमें बहुत सेलेक्टिव चीज़ें रखी हैं क्योंकि मेरी सारी चीज़ें मज़ीद जो बकिया चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी फ्रिज में हैं। ये मैं डीप फ्रीज़र को कैसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आसान तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी डीप होता है तो उसमें चीज़ें निकालना और रखना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह मैंने इस ड्रॉर को उठा के इसके अंदर प्लेस किया है और ये ईज़िली खुल जाता है, आप आराम से इसमें चीज़ें निकाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।